धीरे धीरे बॉइल हो चुकी है। अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी और अब मैं इसको रेडी करती हूँ। तो हम सबसे पहले रेडी करने के लिए हमने लिया है ऑयल। ऑयल मैंने लिया है तकरीबन हाफ कप। तो इसमें मैं ऐड करूँगी साथ ही एक मीडियम प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, उसको मैंने ऐड कर लिया है। अब इसको मैं लाइट गोल्डन कलर तक हो पकाऊंगी इसे, और फिर मैं आपको जो आगे दिखाती हूँ। सरजा मूली की भुजिया बहुत मज़ेदार बनती है और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है। एक दफ़ा आपको पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ शलजम मूली की भुजिया, अब मैं फिर से आपको बनाना सिखा रही हूँ। तैयार हमारी। अब इसमें मैं साथ ही ऐड कर दूंगी चॉप हुए हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे इसके साथ। मैंने इसका पानी निकाल लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा हाथ से ही लेके इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए। ये देखें सब पानी निकल रहा है इसका, और फिर मैं इसको अलग रखती जाऊँगी। इसी तरह से मैं सारा सब्जी का पानी हाथ से ही प्रेस करके निकाल दूँगी। इसी तरह से मैं सारी सब्जी का कर लूँगी। ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो गए लहसुन भी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो मैंने सब्जी का पानी नहीं छोड़ा था, इसको मैं ऐड कर दूंगी इसमें, और साथ ही मैं इसके डाल दूंगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून डालूंगी। 2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी, और इसमें मैं साथ ही डाल दूंगी हंसते जायका नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करेगा। अब मैं सब चीज़ों को भून लूँगी करके अच्छे तरह, हम इसे भून लेंगे और प्रेस करते रहेंगे हाथ से कि ये भुजिया जो है हमारी अच्छी तरह से पिस जाए हाथ से। और लोग इसको ब्लेंड भी कर लेते हैं, मगर मैं समझती हूँ ब्लेंड करने से इसमें वो टेस्ट नहीं आता जैसे कि हाथ से आप इसको मैश करेंगे इसे चमचे की मदद से, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से स्मैश कर लिया है हाथ से, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी साथ ही हरी मिर्चें। हरी मिर्च मैंने ली है 2 बड़ी ले ली थी, वो ऐड कर रही हूँ। मोटे साइज की मैंने इसे चॉप की है, में मोटे साइज की बहुत मज़ेदार लगती है हरी मिर्च। आपको जैसा मुनासिब समझे आप उस अंदाज में आप इसको डाल सकते हैं हरी मिर्चों को। और इसे मैं अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर रही हूँ, और इसे मैं अब ढक के रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट को ताकि ये अच्छी तरह इसमें टेस्ट आ जाए हरी मिर्च का, बहुत मज़ेदार लगता है। और मैं इसे ढक के रख देती हूँ, इसे मैंने ढकना लगा दिया है। अब इसे मैं 5 मिनट तक के लिए पकाऊंगी, हल्की दरमियानी आँच पे पकाऊंगी, हल्की आँच कर दें मीडियम टू लो फ्लेम। फिर 5 मिनट बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसका ढकना हटाती हूँ। देखें कितना मज़ेदार सी ये हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और ये तैयार हो गई, झटपट तैयार हो जाती है, टाइम भी नहीं लगता इसे तैयार होने में। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेडी हो गई है। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ करती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा और फीडबैक में बताइएगा कैसी लगी है मेरी रेसिपी। अब ऐसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी शलजम मूली की भुजिया रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
फीडबैक में बताइएगा कैसी लगी है मेरी रेसिपी। ये इस भुजिया को हम बेसन की रोटी से भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है बेसन की रोटी के साथ, सादी रोटी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है और जल्दी तैयार हो जाती है। सिर्फ इसका बॉईल होने में टाइम लगता है, बाकी ये पर बहुत जल्दी जाती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।